यदि तुम मुझे अपनी माता कहना चाहते हो तो ये लो गुलाब, तोड़ दो अपना धनुष। मैं धनुष छोड़ दूंगा, मैं धनुष स्पर्श नहीं करूंगा, मैं आपके चरणों में पड़ा रहूंगा, आपका प्रत्येक आदेश मानूंगा। पुत्र कर्ण, तुमने इसी धनुष से मेरी रक्षा की है ना? हाँ माता, और इसी धनुष के कारण मैंने आपका वचन तोड़ा था। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे भूल हो गई। नहीं पुत्र, भूल तुमसे नहीं, मुझसे हुई। तुमसे वो वचन लेना ही भूल था। तुम्हें तुम्हारे सबसे बड़े सुख से वंचित करना मेरा भूल था। कर ये धनुष तुम्हारा सबसे बड़ा सुख है। नहीं माता, मेरा सबसे बड़ा सुख आपका प्रेम है, और आपने जीवन भर मुझे वो प्रेम प्राप्त करने का अवसर दिया है। तुमने तो अपना परिचय राधे के नाम से दी थी, तो मुझे तुम्हारी माता को जीवन भर उस श्रेणी तक पहुंचने का प्रयत्न करना पड़ेगा। माता की श्रेणी तो सबसे ऊपर होती है ना माता? आप अपनी श्रेणी से क्यों उतरेंगी? मैं अपनी श्रेणी उठाने का प्रयत्न करूंगा। इसी बात का तो भय है मुझे पुत्र, क्योंकि तुम्हारे पास सामर्थ्य भी है और संकल्प। किंतु पुत्र, तुम जब जब धनुष उठाओगे तुम्हें केवल संघर्ष का सामना करना होगा, और मैं अब नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन पथ पर कोई भी विपत्ति आए। माता, आपने कहा था ना कि विपत्तियों को अवसर बनाना चाहिए। मुझे विपत्तियों से भय नहीं, जानती हूं।
तुम्हें किसी से भय नहीं, ना मनुष्य से, ना मनुष्य के बनाए व्यवस्था से। पुत्र कर्ण, मैं तुम्हें मेरे दिए हुए वचन से बंधन मुक्त करती हूं। किंतु समाज के बनाए बंधन से तुम्हें मुक्ति नहीं मिल पाएगी कर्ण। तुम जब जब धनुष स्पर्श करोगे, समाज तुम्हें दंड देगा और तुम्हें दिया गया हर दंड तुम्हारे माता के हृदय पर लगा घाव होकर। तुम्हारे पुत्र को कोई दंड दे सके ऐसी स्थिति वो उत्पन्न ही नहीं होने देगा, और यदि कोई दंड भोगना भी हो तो वो तुम्हारा पुत्र स्वयं निश्चित करेगा। तुम जानती हो ना माता, मैं तुम्हारे किस पुत्र की बात कर रहा हूं? या तो मृत्यु कर प्राप्त हो जाओ, यह एक और उपाय है। तुम मेरी सेना में आ जाओ और मैं तुम्हें मुद्रा दे दूंगा। भुगत ग्राम में केवल एक के सेना लायक है और वो है वैशाली। भुगत ग्राम तो बहुत बड़ा है, यहाँ और भी सेनाएं होंगी, अर्थात और भी सेना नायक होंगे। चलो मैं तुम्हें स्वयं भुगत ग्राम दिखाती हूँ। यदि कोई और सेना नहीं मिली तो तुम दोनों को मेरी सेना में आना होगा। यदि कोई और सेना मिल गई तो तुम्हें मुझे अपना सेना नायक मानना पड़ेगा। असम, कोई दंड नहीं दे सकता मेरे पुत्र को। इस छोटे से जीवन में जितने दंड भोगने थे भोग लिए उसने। उसके माता ने भी दंड दिए उसे आज तक, अब उसे कोई दंड नहीं मिल सकता है आगे। उसे कोई दंड नहीं दिया जाएगा राधा। हम जाकर महामहिम और महामंत्री से विनती करेंगे, स्वयं महाराज के पैरों में जाकर रोएंगे कि उसका दंड मुझे भोग नहीं दे, किंतु कर्ण को पाताल कुएं में नहीं जाने देंगे राधा। नहीं अधिरथ, आपका राज सेवक के सामने आक्षेप करना या आवेदन करना उचित नहीं है। राजा प्रतिक्षण आप सबकी रक्षा नहीं कर सकता। शिक्षा और रक्षा ये दोनों कार्य होते हैं राजसेवक के, और यदि इनमें से एक राजसेवक के सामने भी आपने अपना आवेदन किया तो सारे अन्य राजसेवक आपके प्रति विष भर लेंगे, क्रोध भर लेंगे, और आप सबका जीना दुभर हो जाएगा। तो क्या करें भ्राता विश्वान, अपने पुत्र को मृत्यु दंड भोगने दें? कैसा समाज है ये, कैसे लोग हैं ये, जो एक नीचे जात के लोगों के समग्र जीवन को कारागार बना देता है? क्या कोई मार्ग नहीं? वो मार्ग है जो विकट मोहल्ले के पास जाता है। पूरा लोहार समाज वहीं पर निवास करता है।
विकट महोदय लोहे के विविध यंत्र निर्मित करते हैं। किसी ने भी उनके यंत्रों को स्पर्श भी किया तो उसकी नाक काट देते हैं। बड़े भयानक हैं वो। तुम्हारी नाक कटवा लो, मुख्य प्रमाण में ठीक हो जाएगी। मेरी नाक ठीक है और विकट महोदय मेरी नाक नहीं काटेंगे क्योंकि वो मेरे मित्र हैं। वो है ना भैरववत, वहाँ पे भयानक भूत बसते हैं। किंतु मैंने भूतों की साधना की, इसके लिए सारे भूत मेरे वश में हैं। वृषाली, वो क्या हो रहा है? लोहार समाज हमारे कुएं से जल प्राप्त करने के लिए हमें धन देता है। क्यों? उनके पास अपना जल स्थान नहीं था किंतु सूख गया। अब इन लोगों को हमारे जलाशय से पानी लेना पड़ता है और कहीं से जल लेने की अनुमति नहीं है। यहाँ जल के लिए भी अनुमति लेनी पड़ती है तो क्या श्वास लेने के लिए भी अनुमति लेनी पड़ती है? तुम दोनों को तो अवश्य लेनी पड़ेगी। मेरी अनुमति के बगैर भुगत ग्राम में पक्षी भी पंख नहीं मारता। वो तो इस कारण क्योंकि तुम पक्षियों को पत्थरों से मार डालती हो। तो देख लिया हमारा गांव, मिला कोई सेनानायक। इसके लिए कहती हूँ, अगर मेरी सेना में रहोगे तो सुख से रहोगे, अन्यथा तुम दोनों की मृत्यु भी हो सकती है। मृत्यु? अन्य और कोई मार्ग नहीं। प्रातःश्री, तुम जो जीवन जी रहे हो वो मृत्यु से भयानक नहीं? हर्षन है कि छाए में रहना मृत्यु नहीं तो क्या है? एक और मार्ग है आर्या, हम शस्त्र उठा लेंगे। अपने पुत्र की रक्षा हेतु क्या कह रही हो राधा? शस्त्र कौन उठाएगा? सारे सूत समाज को मृत्यु दंड मिलेगा। तो क्या एक निर्दोष बालक की मृत्यु देखने के पश्चात किसी को जीवन में सुख मिल सकता है? मैं अपने प्राण दूंगा कि तू समाज नहीं देगा। मनुष्य की प्रथम इच्छा होती है उसका जीवित होना। आपके पुत्र की दुर्दशा पर सब आंसू तो बहाएंगे किंतु शस्त्र कोई नहीं उठाएगा। यह संभव नहीं है राधा, हम सब तो शस्त्रों से मर जाएंगे किंतु उसके पश्चात कर्ण जीवित रहेगा। क्या होगा उसका? कौन देगा उसे आसरा? उसे भोजन कौन देगा? नहीं राधा, जब तक कर्ण युवान नहीं होता हम मर भी नहीं सकते। हम रात को ही छुप कर चले जाएंगे, वन में वनवासियों की भांति जीवन जिएंगे। वन के वनवासी भी भ्रातृश्री को पराजित नहीं कर पाए, उन्हें तुम्हारी सेना में रहने की क्या आवश्यकता है? वनवासियों और नगर जन्म में बहुत फर्क है। नगर जन्म की मार कभी कभी मनुष्य जान भी नहीं पाता। वृषाली, क्या हुआ सैनिक? वृषाली, मेरे पिताश्री कह रहे थे कि कल प्रातः काल कर्ण को
पाताल कुएं में डाल दिया जाएगा। पाताल कुएं में क्यों? क्योंकि कर्ण के कारण राज्यसभा में ग्राम रक्षक महोदय का अपमान हुआ था, इसलिए उसे दंड दिया जा रहा है। यदि कर्ण ने दंड नहीं भोगा तो उसके पिता को धन प्राप्ति के लिए कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पाताल कुआ बहुत भयानक है। फिर से भयानक। इस गांव का नाम भुगत ग्राम के स्थान पर भयानक ग्राम होना उचित था। हंसो मत, पाताल कुआ वास्तव में बहुत भयानक है। मेरे पिताश्री कहते हैं कि पाताल कुएं में डालने का दंड वास्तव में मृत्यु दंड ही होता है, और उसमें से कोई निकल कर भी नहीं आता। ऐसा कोई स्थान हो ही नहीं सकता। तुमने उस कुएं को देखा नहीं है? उस कुएं का अंत नहीं दिखता, केवल अंधकार दिखता है। तो चलो अंधकार देखाते हैं। यदि किसी को कार्य करने की अनुमति ना मिले तो वो बहुत बड़ा अपमान होता है। क्या तुम पिताश्री का अपमान होते हुए देख सकोगे? आदेश दीजिए सेनानायक। आपने किसी बालक को देखा? 10 वर्ष का है। यहाँ धन्यवाद। Come on!